हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पोहे से सुबह का हेल्दी नाश्ता बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने पोहा लिया है एक कटोरी। इधर हम प्याज काट लिए हैं बारीक, शिमला मिर्च है हमारा, हरी धनिया, नींबू आधा लिए हैं और करी पत्ता लिए हैं। इधर हम मिर्च हरी काटे हैं। सभी चीज़ों को तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम बनाने चल रहे हैं। तो ये मूँगफली हम पहले ही फ्राई कर लेते हैं। इसको धीमी आंच में हम भूज के अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। इसको हम निकाल ले रहे हैं कटोरी में। इधर एक कढ़ाई रख दिए हैं छोटी सी, इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं हम। तेल तब तक गर्म होता रहे, हम पोहा धुल लिए हैं, ये धुल के रख दिए हैं। अब इसमें राई डाल रहे हैं एक छोटा चम्मच, करी पत्ता है 8 से 10, बारीक कटा हुआ प्याज। इसको थोड़ा देर ब्राउन करेंगे हम। हरा मिर्च 2-3 है हमारा। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देते हैं, इसको भी भूज लेते हैं अच्छी तरीके से। ये मूंगफली भी साथ में डाल दिए, इसको पहले भूजे थे तो हम ज़्यादा नहीं भूजेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से हम पका ले रहे हैं इसमें। ये सभी चीज़ अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए हमारा पक गया है। अब इसमें हम पोहा डाल रहे हैं। ये पोहा हमने धुल के रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखे थे, सिर्फ 5 मिनट रखे थे। अब इसको एक छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं इसमें हम, हरी धनिया। इसको हम चला ले रहे हैं। इसको बराबर अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को मिला ले रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। ये सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए हमारा खिला खिला नाश्ता बन के तैयार हो रहा है। इसमें हम नींबू आधा डाल रहे हैं। ये देखिए बहुत रसीला नींबू है। नींबू डालने से खट्टापन इसमें आ जाता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। ये हमारा नाश्ता देख लीजिए किस तरह बन रहा है। सुबह का ठंडे में हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए प्लेट में हम निकाल रहे हैं इसको। ये ठंडे में बहुत ही स्वादिष्ट आता है और डेली ही बना के खा सकते हैं आप। हेल्दी नाश्ता बन के हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा नाश्ता बन के प्लेट में तैयार हो गया है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा कमेंट में, और हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।